नमस्कार, मैं सुष्मिता बिस्वा स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर है मंडला से, जहाँ कटरा स्थिति नवदैन होटल के सामने वाली गली से अंदर दो नंदी बैल आपस में लड़ते हुए दोनों गिरे 40 से 45 फुट गहरे कुएं में। स्थानीय लोगों का लगा हुजूम पर भीड़ में किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, कैसे निकाले सभी उगती हुई फेल। गौपति दिलीप चंदोल को बुलाया गया। चंदोल पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के बाद तुरंत नगरपालिका वाहन प्रभारी बाबा भाईजान को लगाया फोन। नगरपालिका की जेसीबी मशीन एवं क्रेन पहुंची घटना स्थल पर। क्रेन मशीन से बहुत देर तक किया गया प्रयास, लोगों को पट्टे लेकर कुएं में उतारा गया लेकिन नहीं मिली सफलता। तब कुएं को जेसीबी मशीन से रैंप बनाकर निकाला गया। पूरी रेस्क्यू में गौपति दिलीप चंदोल की रही अहम भूमिका। होमगार्ड को किया गया सूचित पर मौके पर विदित मरकामजी रहे उपस्थित। रेस्क्यू में उपस्थित अंकित झारिया, अजय बंसकर एवं अस्सु झारिया, दीपेश अंपुरी, जीवन पटेल सरपंच एवं उप सरपंच, सभी स्थानीय लोगों का रहा सराहनीय योगदान। रेस्क्यू कर दोनों नंदी बैलों को निकाला गया। सुरक्षित गाय माता के प्रति बटी मंडला में लोगों की आस्था। यहाँ पे कटरा स्थित में नर्मदा इनके पास में एक कुआं है, बहुत पुराना कुआं है और ये कुआं में दो नंदी बैल लड़ते हुए आपस में गिर गए थे। लगभग 5 घंटा रेस्क्यू करने के बाद नगरपालिका के सहयोग से और ये मान के चलिए कि बहुत ही मशक्कत के बाद इसको खुदाई करने के बाद, रैंप बनाने के बाद और दोनों नंदी बैल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और ऐसे कुआं जो लोग छोड़ देते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आज दो नंदी बैल गिरे हैं, इसके पूर्व में भी 2-3 आदमी भी गिर चुके हैं। तो ऐसे जो कुआं रहते हैं जिनकी बाट नहीं बनी रहती है तो उनको व्यवस्थित तरीके से पुरवाया जाए ताकि ऐसे हादसे न हो सके। धन्यवाद। मंडला से अरबी सोनी की रिपोर्ट।